और चलिए उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद बैठक में शामिल रहे, यूपी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 25 प्रस्तावों पर मोहर लग चुकी है और यूपी के सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे और इसके अलावा सभी मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक में आपको बता दें कि सभी मंत्री मौजूद रहे, 25 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। बता दें कि इस कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्ताव रखे गए थे, उन 27 प्रस्तावों में से 25 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, सहमति बनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, और यूपी के सभी कैबिनेट मंत्री इस कैबिनेट की बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, 27 प्रस्ताव इस बैठक में रखे गए थे, जिनमें से 25 प्रस्ताव पास हुए हैं। और बता दें कि इस बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर कैबिनेट की बैठक खत्म हुई।